नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। खबर आ रही है गाजियाबाद क्षेत्र से, जहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। आज गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। आपने देखा होगा कि आजकल आपके पास काफी सारी कॉल ऐसी आती हैं जिसमें संदिग्ध लोग बात करते हैं, आपसे संदिग्ध सूचना लेना चाहते हैं। ऐसी ही एक कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है, कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 30 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 16 पुरुष और 14 महिलाएं हैं। उनके पास से 19 मोबाइल फोन और 14 लैंडलाइन फोन भी मिले हैं। एक कार भी बरामद की गई है। ये लोग पॉलिसी के नाम पर फर्जी लोन दिलाकर लोगों का बेवकूफ बनाते थे। एक सागर नाम के व्यक्ति की एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली पे, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया था कि उन्हें पॉलिसी कराने के नाम पे ठगी की गई थी उनसे। इस पे SPCT सर की सर्विलांस टीम को और साइबर सेल को और कोतवाली पुलिस को एक्टिवेट किया गया था, जिसके आधार पे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जो पॉलिसी के नाम पे और पॉलिसी मैच्योर करने के नाम पे ठगी करते हैं, जिसमें लगभग 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 14 महिला अभियुक्त भी हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल आई थी मुंबई साइबर सेल की टीम, मुंबई साइबर सेल की टीम ने भी पूछताछ करी है इन लोगों से। उनके यहाँ भी कोई फ्रॉड की सूचना थी, उस सूचना पे वो जब अपनी विश्लेषणात्मक कार्रवाई के तहत यहाँ पहुँचे थे, उनके द्वारा पूछताछ की गई है। उनके मुकदमों में वांछित होंगे तो उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।